हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका हूँ सैयद आमिर रियाज। आज मतलब सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन 8:15 हो गए। हमारा इरादा जो है आज इंशाल्लाह किसी अच्छे से नाश्ता हाउस में हम आपको ले चलेंगे और अच्छा सा नाश्ता करते हैं, आपको रिव्यू देते हैं और हम जो है आपको वो जगह दिखाते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छी जगह जो है एक्सप्लोर करके बताएं। सही है, तो हम आपको एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आपको, आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छी जगह हमने दिखाई है। चले चलते हैं। मैं सैयद आमिर पोएट्री लवर्स के लिए एक गजल पेश करता हूँ। राजी खोल कर फिर मैंने दुआ मांगी है और एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है, और वो चीज ना दौलत ना मकान है ना महल, ताज मांगा है ना दस्तार कबा मांगी है, ना तो कदमों के तले फर्शे गौहर मांगा है और ना सर पे कुल अहबाल हुमा मांगी है, ना कोई ओहदा ना कुर्सी ना लकब मांगा है, ना किसी खिदमत कौमी की जजा मांगी है, महफिल ऐश ना सामान तरब मांगा है, चांदनी रात ना घंगोर घटा मांगी है, ना तो अशकों की फरावानी थे मांगी है निजात, ना तो अशकों की फरावानी थे मांगी है निजात, और ना अपने मर्द दिल की शिफा मांगी। सुन के हैरान हुए जाते हैं अहबाब, आखरश कौन सी पागल में दुआ मांगे, आ तेरे कान में कह दूँ ए नसीमे सहरी, आ तेरे कान में कह दूँ ए नसीमे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज़ है क्या मांगी है, वो सरापाए सितम जिसका मैं दीवाना हूँ, वो सरापाए सितम जिसका मैं दीवाना हूँ, उसकी जुल्फों के लिए हुए वफा मांगी। व्यूअर्स, हम आए हैं कॉन्टिनेंटल जो है बेकरी है, जो कि गुलिस्तान जौहर में काफ़ी मशहूर बेकरी है, और इनका किसी ने हमें बताया था कि हलवा पूरी भी बहुत ज़बरदस्त है, तो हम इसीलिए जो है यहाँ आए हैं। अब यहाँ हम जो है इनका हलवा पूरी खाते हैं और फिर उसका रिव्यू देते हैं आप। और ये जो है मैनेजर साहब हैं यहाँ के, इनसे हमने जो है परमिशन ले ली है वीडियो बनाने की, तो इंशाल्लाह अज़ीम आपको हम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कॉन्टिनेंटल बेकरी पे आए हैं हलवा पूरी के लिए, और यहाँ की हलवा पूरी जो है काफ़ी मशहूर है, हम जो है इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। पराठे पूरियाँ कहाँ बना रहे हैं देख रहे हैं आप, इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, चीज़ पराठा भी है, चिकन चीज़ भी है, आलू कीमा है, और क्या क्या आप बताइए सर। आलू का पराठा, चिकन का पराठा, चीज़ पराठा, इसके अलावा जो ये प्राइस बताएगा ज़रा, चीज़ पराठा की चीज़ पराठा 350, चिकन 270, कीमा 200, आलू 65। माशाल्लाह ये जो है हाइजेनिक तो है, नो डाउट। ये देखे व्यूअर्स, हमारा नाश्ता आ गया है, अब हम जो है इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। ये देख रहे हैं, ये अचार है, आइसिंग अचार और रायता है, और ये आलू की जो आलू की भाजी, आलू की भाजी कहेंगे, और ये छोले हैं, और ये आलू की भाजी है, छोले हैं, और हलवा। सही है, मैं जो है आपको
आलू की भाजी से स्टार्ट लेते हैं। क्या कहने, बहुत ही ज़्यादा। अब हम छोले फ्राई कर रहे हैं। अच्छा है, ज़बरदस्त, ये भी अच्छा है। हलवा भी बहुत ज़बरदस्त, हलवा। अब अचार के साथ जो है हम ट्राई करते हैं कि छोलों में डालेंगे। देख रहे हैं आप रायता और ये, रायता तो आउटस्टैंडिंग है। देख रहे हैं रायता जो है बहुत क्रीमी है। यानी कि आलू भुजिया या चने के साथ आप खाएं तो ये रायता से जो है ना उसका टेस्ट दोबाला हो जा रहा है, इतना टेस्टी है। माशाल्लाह रायता बहुत ज़बरदस्त बनाया है। बस ये देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा इंसाफ किया है, दिखाएंगे ज़रा बेगम। लेकिन आलू बचे में, हाँ बस वो जो है क्वान्टिटी बहुत ठीक ठाक थी। और सबसे अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़ यहाँ की ये लगी मुझे के छोले भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और भी जगह हम गए वहाँ भी ऐसे ही था, सही है ना। लेकिन इनके जो रायता है और इनके जो अचार हैं वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो लेकर आए थे एक बार, फिर उसके बाद दो बार और मंगवाया हमने उनसे रायता और अचार जो है, तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग रायता और अचार तो आउटस्टैंडिंग है, कोई वो नहीं है। और इनकी सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, उसमें जो है जो सबसे जिसे कहते हैं ना कि इस तरह का हमने जो है अचार और रायता इतना जो कहीं और हमें ना मिला, नहीं मिला। लेकिन और जहाँ तक पूरियों की, छोले की और आलू की उसकी बात है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये भी आउटस्टैंडिंग। व्यूअर्स हमने यहाँ काफ़ी इंजॉय किया, माशाल्लाह जो है हर चीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और आप भी यहाँ ज़रूर आइए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई हमने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और जो चीज़ें हमने कही हैं वो आपको वाकई लगेगा कि हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में सैयद आमिर को और नौश आमिर को और हमारी फैमिली को याद रखिएगा। आप सबको सैयद आमिर का सलाम।